हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर नंबर 14, एससी वर्मा, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स ट्यूब हैविंग अ रेडियस 1 मिलीमीटर। एज्यूम दैट द सरफेस ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब इज स्फेरिकल इन शेप। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, वट विल बी द हाइट रेज इन द बैरोमीटर ट्यूब। द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ मर्करी विद ग्लास इज 135 डिग्री एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर एंड द डेंसिटी इज 13,600 kg/m³। हेलो गाइज, वेलकम अगेन, आई एम मेंटर अनुराग। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो सिचुएशन है वो कहता है कि ठीक है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से मरकरी कितना ऊपर चढ़ता है, 76 सेंटीमीटर। लेकिन कहता है कि सरफेस टेंशन की वजह से मरकरी का खुद का एक हाइट आता है। क्या आता है? सरफेस हाइट ऑफ एसेंट वाला फॉर्मूला जो करते हैं हम, ठीक है, वो किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से क्या आता है? मरकरी का हाइट क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, बेसिकली लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ बैरोमीटर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ मरकरी में कर रहा हूँ डिप, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से मरकरी का लेवल कुछ यहाँ पर आता है, नीचे आता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर इसको कितना चढ़ाना चाहता है, 76। तो सरफेस टेंशन की वजह से नीचे गिर रहा है और एटमॉस्फेयर की वजह से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कहता है नेट कितना फ़र्क आएगा, तो अपने को पता है कि एटमॉस्फेयर ने कितना किया, 76 सेंटीमीटर। अगर मुझे पता लग जाए कि ये सरफेस टेंशन की वजह से कितना नीचे गया है, तो मैं इसमें से वो माइनस कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, जो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं अब तक, हाइट ऑफ एसेंट विच इज इक्वल टू 2σ cos θ / r ρg, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी और जो ट्यूब है उसका रेडियस, ठीक है, और सरफेस टेंशन सब कुछ गिवन है। 2σ दैट इज इक्वल टू गिवन कितना, 0.465 SI के अंदर बात कर रहा हूँ। कोस थीटा ये दिया हुआ है, कोस 135, ठीक है, उसके बाद रेडियस विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1×10⁻³। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है मरकरी की, 13,600 kg/m³। जी की वैल्यू लेते हैं 10, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कोस 135 थोड़ा अजीब लग रहा है, तो कुछ नहीं है, 180 में से 135 माइनस करो, कितना आ गया, कोस 45। बात सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस वैसे भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो कोस 45 की वैल्यू होती है वो लगा देते हैं, 0.465, साथ में क्या लगा देंगे, माइनस का निशान लगा देना। ठीक है, ओके, माइनस के साथ को बारी रख लो, बारी बारी अंदर नहीं लगाते। ठीक है, कितना आएगा, 1/√2, 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10⁻³। ओके, यहाँ से सेटल करते हैं इसको, तो नीचे तो 136 लिख के काम छोड़ देते हैं। ठीक है, 136 को इससे सेटल करते हैं, तो किस पे गया, 6 पे 8 पे। ठीक है, तो दैट इज़ 0.465, ये होता है, दैट विल बी 1/√2, हाँ जी, 0.70, कितना ले सकते हो, 0.707 भी होता है, कोई इशू नहीं है। और नीचे क्या रहेगा मेरे पास, 68। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्या होगा, 0.465 को मैं लिख सकता हूँ 40 × 465 70/100 × 68। ठीक है, और दैट विल बी, साथ में क्या आ गया, 10⁻³। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, दैट विल बी, चलो भैया ये किस पे गया, दैट विल बी 2 पे, ये किस पे गया, दैट विल बी 5 पे, 93। ठीक है, 93, ये किस पे गया, 3.5 पे। ओके, 6 8, दैट विल बी, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी अराउंड, ये मेरे पास कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते, दैट विल बी डायरेक्ट वैल्यू इसकी। ठीक है, सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी अराउंड, एक बार पॉज कर देता हूँ, वो आपको फिर इसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ क्या आ रहा है ये। तो ये कैलकुलेट करने पे दैट विल बी अराउंड आ रहा है 0.0047 मीटर। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर बन गया, विच इज़ इक्वल टू 0.47, और माइनस का साइन तो साथ साथ चले गई, तो चलो भाई माइनस का साइन। ठीक है, नाइस। अब क्या करना है आपको इसके अंदर, दैट विल बी, ये क्या आ गया, माइनस क्या बता रहा है, वो नीचे चला गया। ठीक है, कितना नीचे गया, 0.47, और प्रेशर से कितना ऊपर जाना था उसको, 76। तो नेट कितना हुआ, नेट हाइट कितनी आई, दैट विल बी नेट,
76 तो ऊपर वाली और नीचे वाली कितनी 0.47, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 76 पॉइंट दैट विल बी 00 कितना 47, ठीक है, दैट विल बी कितना 3, यहाँ रहेगा 9, 5, 75.53 सेंटीमीटर नेट हाइट आ गई इसकी। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन यही थी क्या कि मरकरी सरफेस टेंशन की वजह से कहाँ जाता है, नीचे जाता है, कोई बाहर की एक्सटर्नल चीज़ इसको कहाँ उठा रही है, ऊपर उठा रही है, तो नेट कितना जाएगा, ठीक है। वो 76 एग्जैक्ट नहीं जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो नेट कितना आया, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।